जमीनी जो पकड़े ब्रेक के अंदर भी ये अच्छी पकड़ लेके चल रहा है ट्रैक्टर। टू व्हील और फोर व्हील के अंदर आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, जैसे कि ये सॉफ्ट होती है इसकी और इसका हाइलो मीडियम है। यहाँ देख सकते हो आप रोटावेटर पे चलाते हो या फिर जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग स्पीड मिल जाती है क्या। तो एक टाइम पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो भाइयों अभी है अपन महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, तो यूवो टेज प्लस जो वाले मॉडल है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक जो ट्रैक्टर है 4x4 देख रहे हैं भाई, काफी शानदार लुकिंग है भाई ट्रैक्टर की। तो चैनल पर पहले बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हो तो पेज को भी जरूर से फॉलो करें। तो इससे पहले मैं आपको इधर से दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर से जो पीछे वाला खड़ा है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो 575 है तो उस वाले के अंदर और इसके अंदर जो 4x4 वाला खड़ा है ये, तो कुछ चेंजेस है क्या या फिर इसका एक्सल का ही और टायर का अंतर है? कंट्रोल वाला भी मिल जाएगा इसके अंदर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई इसका देख सकते हो, तो भाई सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर। और भाई साहब ये जो आगे से देखो कितना खतरनाक दिखता है, देखो देखो भाई इसकी जो पावर है वो इसकी पावर ज़्यादा होती है भाई टू व्हील वाले से। और इसके अंदर जो टायर मिलेंगे आपको वो 9/5-20 वाले टायर हैं जो अर्जुन के अंदर थे, और पीछे वाले तो 14 वाले हैं ना पीछे वाले भी। और इसकी जो हाइड्रोलिक क्षमता है वो 1800। अच्छा अच्छा। और ये अभी ऑल कंप्लीट नहीं है, इस पर कैनोपी भी वो फूड आएगा या फिर वो आएगी दूसरी। अच्छा फाइबर वाली लगेगी भाई, थोड़ा सा ऊपर से भी देखते हैं भाई चल के, और थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके भी देखेंगे। तो इधर से दिखाऊं भाई मैं आपको, यहाँ से देखो भाई इसका प्लेटफॉर्म है इस तरीके से मिलता है यहाँ से भाई। इसका जो गियर भी देख सकते हो हाइलो मीडियम है, और यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3, 4 आर वाला ऑप्शन इधर मिलता है आपको, मेट्रो वही मिलता है डिजिटल वाला। और महिंद्रा की जो जबरदस्त टेक्नोलॉजी है भाई इस ट्रैक्टर के अंदर, काफ़ी सोना है भाई। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। और जो सामने की जो लुक देखो भाई इस तरीके से मिलेगी आपको यहाँ से। हाँ ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है वो कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स के साथ मिलेगा आपको ट्रैक्टर, जो कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स मिलेंगे इसके अंदर। हाइलो मीडियम है यहाँ देख सकते हो आप, रोटावेटर पे चलाते हो या फिर जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग स्पीड मिल जाती है क्या। तो एक टाइम पे जैसे कि 2 स्पीड में आते थे ट्रैक्टर, तो वहां पर जैसे कोई अगर किराए पे भी ट्रैक्टर को चलाता था तो टाइम लगता था, डीजल भी ज्यादा लेता था ट्रैक्टर। हाँ अब यहाँ पर आपको उसके लिए आपको यहाँ पर मीडियम, हाँ काम के हिसाब से आप ट्रैक्टर को ले सकते हो, यहाँ पर जैसे को मीडियम मिल जाता है आपको। तो इसमें आपकी ट्रैक्टर की चाल भी अच्छी रहेगी और डीजल भी कम लेगा ट्रैक्टर आपका। और ये क्लच ब्रेक है भाई यहाँ पर से, और बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सपाट है देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ ये मिलता है इसका प्लेटफॉर्म। और इसका रेट वेट का है क्या कुछ आइडिया, कितने का होगा, कितने तक मिलेगा किसान भाइयों को? अच्छा अच्छा। तो जो टू व्हील और इसके अंदर कितना का अंतर होगा? जैसे 1.5 लाख। अच्छा 1.5 लाख रुपए तक का अंतर है इसके। ओहो भाई साहब, पर इसका जो मजा है इसका मजा ही है फिर, अगर ये ले लिया किसान है तो। हाँ फोर व्हील ड्राइव में 55 HP यानी 8 से 10 HP एक्स्ट्रा लेके चलो, सही बात है। और ज्यादातर जो किसानों के काम होते हैं वो चलने के काम ज्यादा होते हैं आज के टाइम पे, चलने का। जैसे कोई ये दान के लिए जमीन कंप्लीट करता है गीले के अंदर, तो वहां पर भी बहुत से जो ट्रैक्टर, हाँ पडलिंग के लिए बहुत से ट्रैक्टर फंस जाते हैं, तो वहां पर जैसे 2-2 ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ती है। तो अगर 4 व्हील होगा तो ये एक ही काम कर लेगा। हाँ सही बात है। और चढ़ाई के लिए भी उठने का इनका झंझट खत्म, हाँ चांस नहीं है, सही बात है। और जब आप कल्टीवेटर पे इन पर भी चलाओगे आप, तो बड़े से बड़े एप्लीमेंट पे इसको बड़े इजिली तरीके से चला सकते हो, इंजन पर भी आपके ट्रैक्टर के इतना लोड नहीं रहेगा। तो ये भी भाई शानदार है भाई, कंपनियों ने भी जो किसान भाइयों के लिए जो सुविधा दी है पर, तो शानदार है जो साउंड है भाई वो देख सकते हो। जमीनी जो पकड़े ब्रेक के अंदर भी ये अच्छी पकड़ लेके चल रहा है ट्रैक्टर, जहां रोकोगे वहीं पे जाम हो जाएगा। और ये कैसा जा रहा है जो इसका बम्पर है वो इसको लगा के दिया जाएगा भाई। और भाइयों इस ट्रैक्टर की अगर फुल रिव्यू वीडियो देखनी है आपको तो चैनल पे चेकआउट कर लेना, चैनल पे मिल जाएगी।
टू व्हील और फोर व्हील के अंदर आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। जैसे कि ये शाफ्ट होती है इसकी और इसका एक्सल और जो टायर यही इसके अंदर ज्यादा है, और टू व्हील वाले के अंदर जैसे 750 वाले टायर हैं और इसके अंदर ये बड़े टायर हैं। टू व्हील से 1.5 लाख तक प्राइस ज्यादा है भाई इस ट्रैक्टर की, पर इसका काम फिर इसका काम ही है भाई। तो वीडियो कैसी लगी भाई वो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।